हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं फिर से आ गई हूँ लैंसडाउन की लास्ट पार्ट लेके, जहाँ हम लोग आए हैं सिद्ध बलि बजरंग बलि की ये मंदिर दर्शन करने। ये कोटद्वार में स्थित है। तो लैंसडाउन जाने की टाइम या उतरने की टाइम आप लोग कोटद्वार होके ही हम लोगों को जाना होती है, तो हम लोग यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो हम लोग जब लौट रहे थे उस टाइम हम लोग पहुँच गए। तो हम लोग आ गए हैं सिद्ध बलि मंदिर में, दर्शन के लिए जा रहे हैं। प्रचलित है कि यहाँ पे बजरंग बलि की जब जड़ी बूटी लाने जा रहे थे, यहाँ पे भी लौटते टाइम उनका पैर यहाँ पे भी पड़ा था। तो हम लोग भी आज दर्शन के लिए जा रहे हैं। मौका मिला है ये सिद्ध मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे और एक बात भी बोला जाता है कि यहाँ पे सिद्ध बाबा जो है, उन्होंने यहाँ पे तपस्या किया था और उनको तपस्या के बाद यहाँ पे ही बजरंग बलि जी ने, मतलब बजरंग बलि हनुमान ने यहाँ पे ही उनको दर्शन दिया था। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बजरंग बलि की मंदिर स्थापन किया और मूर्ति भी स्थापित किया, और यहाँ का नाम उनके नाम अनुसार सिद्ध बलि मंदिर हुआ है। तो यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आती है उनका मनोवांछना पूर्ण होती है। यहाँ पे पूरा साल ही भंडारा चलती रहती है। पास में ही जगह है, वहाँ पे भंडारा लगा हुआ था। तो यहाँ पे पूरा साल भंडारा चलती रहती है, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे कोई भी मनोकामना रखती है तो वो पूरी होती ही है। मंदिर पे यहाँ पे हम लोग गुड़ और जो नारियल है वही यहाँ पे चढ़ती है प्रसाद के रूप में, गुड़ और नारियल। तो नारियल को यहाँ पे फोड़ के ही ले जाना होती है ऊपर टुकड़ा करके, और गुड़ के साथ ये पूजा में चढ़ती है। तो हम लोग भी यहाँ पे नारियल को, ये जगह है नारियल फोड़ने के लिए ही, तो हम लोग भी यहाँ पे नारियल को फोड़ लिया है। तो ऊपर में मंदिर है, ये देखिए सब भगवान के नाम लेते हुए ऊपर जा रहे हैं। हम लोग भी जा रहे हैं ऊपर पूजा देने और दर्शन करने। आप लोग भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, कि सबको ही दर्शन की मौका मिले। और न्यू वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़ जाना न्यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वैसे तो वीडियो अलाउ नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए दर्शन के लिए कर लिया था और एक फ़ोटो भी ले लिया था। ये देखिए, ये रहा सिद्ध बलि। तो आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए हाथ जोड़ कर। ये रहा सिद्ध बलि मंदिर और ये रहा बजरंग बलि जी। तो बोलिए जय बजरंग बलि की। तो ये हम लोग दर्शन कर लिया, और इधर देखिए ये मंदिर का ही नज़ारा है। यहाँ पे ऐसे सारे पिक्चर बना हुआ है, ये हमारे इतिहास को भी दर्शा रहे हैं इस पिक्चर की माध्यम से। और साथ में ही यहाँ पे नदी है, और ये देखिए ये पहाड़ भी है, पहाड़ के जंगल भी है। इसके साथ ही जिम कॉर्बेट का जो जंगल है वो लगा है, और इसके साइड से ही मेन जो यहाँ का पहाड़ी नदी है, इसके साथ ही ये मंदिर स्थित है। तो हम लोग यहाँ पे और एक शनिदेव की भी मंदिर है, वहाँ पे भी दर्शन करेंगे। तो ये रहा मंदिर के आसपास की व्यू, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए प्रसाद खा रहे थे। ये मंदिर का ही व्यू है फ्रेंड्स। तो ये रहा और एक मंदिर जहाँ पे
शिव जी का मूर्ति है, ये देखिए शिव जी का ये भी रखा हुआ है। शिव जी भी है और ये वाला मंदिर शनिदेव जी का है, तो यहाँ पे भी हम लोग दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे शनिदेव का भी मूर्ति रखा हुआ है और ये देखिए साइड से जो नदी है वो बह गई है। तो ये रहा शनिदेव का, यहाँ पे पूजा होती है, ये देखिए शनिदेव की मूर्ति। और यहाँ पे अब आप लोगों को दर्शन कराते हैं हाथी की, ये देखिए एलिफेंट का पूरा फैमिली, एक छोटे बच्चे भी है इनके साथ, चार एलिफेंट ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अच्छे से देखिए यहाँ पे एक छोटा सा भी एकदम बड़ा जो एलिफेंट है उसके पीछे दिख जाएगा आप लोगों को। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये देखिए, और यहाँ से एकदम हाथी भी दिख गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। और यहाँ का नेचर भी इतना सुंदर है, ये देखिए पहाड़ी नदी है और उसके साथ ही जंगल भी है। और हम लोग तो पूजा दे चुके थे ये देखिए, तो थोड़ा फोटो सेशन भी कर लिया यहाँ से, पीछे का इतना सुंदर नज़ारा था। और जो हाथी ऊपर चढ़ रहे थे अभी तक वो लोग चढ़ नहीं पाए, ये देखिए ये लोग अभी भी ऊपर जा रहे हैं पूरा फैमिली, ये लोग भी एक साथ फैमिली रहते हैं, जैसे हम लोग इंसान रहते हैं वो लोग भी ऐसे ही एक साथ ही सब मिलके फैमिली का ध्यान रखते हुए जा रहे हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं नीचे, यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है, यहाँ पे पूजा का सामान और छोटा मोटा कुछ चीज़ें मिलती हैं, अगर किसी को ख़रीदना है तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और इसके पास में ये देखिए ये है नदी, यहाँ पे सब नहाते हैं, ये छोटा सा नदी है, साइड से मंदिर इसके साथ ही है, यहाँ पे नहा के भी आप लोग पूजा दे सकते हो या पूजा दे के भी नहा सकते हो। तो हम लोग भी यहाँ पे आज नहाएंगे, ये देखिए झरना कितना अच्छा, और यहाँ से जो नदी बह गई है सब नहा रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग भी उतरेंगे पानी में, बहुत ही ठंडा पानी है, तो बहुत ही मज़ा आ गया था। ये देखिए नज़ारा, सभी नहाने के लिए यहाँ पे नीचे बैठे हुए हैं, जहाँ से पानी ज़्यादा था वहाँ पे बहुत स्रोत भी पानी का ज़्यादा था, इसीलिए हम लोग इधर से नहाने के लिए उतरे हैं। आप लोग भी अगर सिद्ध वाली विजिट कर रहे हो तो इधर ज़रूर नहा लेना, कपड़े भी हम लोग साथ में लाए थे, यहाँ पे जगह है कपड़े चेंज करने के लिए। और फिर हम लोग अब बैक टू होम, तो हम लोग रास्ते में ये देखिए कितना अच्छा आम का पेड़ मिला था, यहाँ पे आम बागान है तो हम लोग वहाँ से कुछ आम भी खरीद के लाए थे। तो लौटते टाइम हम लोगों को रास्ते में बहुत सारा आम के पेड़ का बगीचा मिला था, तो हम लोग वहाँ से सामने ही बेच भी रहे थे, यहाँ से जो तोड़ के यहाँ जो ओनर है वो ही बेचने के लिए परमिशन दे रखा है, तो हम लोग वहाँ से लेके आए थे, बहुत ही अच्छा था सारे आम। और फिर लौटते लौटते रात हो गया था ये देखिए, तो हम लोगों का लंच टाउन जर्नी बहुत ही अच्छा था, आप लोगों से पूरा वीडियो ही मैंने शेयर किया पार्ट बाय पार्ट। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। Oh, 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 oh